जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब से ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक और नई वैकेंसी की डिटेल लेकर आए हैं, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जौनपुर के द्वारा निकाली गई है। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी वैकेंसीज रहेगी वो पार्ट और फुल टाइम टीचर की है, कुक की है, असिस्टेंट कुक की है, और इसमें आपको चौकीदार की अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो दोस्तों, अगर आप 8वीं पास हैं या फिर आपके पास डिग्री है या आपने बीएड की है, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी टोटल पोस्टें हैं वो 64 पोस्टें दी गई हैं। तो दोस्तों, आगे हम आपको वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि इसमें आपको और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है या फिर आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नई नई वैकेंसीज की डिटेल लेकर आते रहें। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर के द्वारा जारी की गई है, जिसमें आपको 19 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर सुविधा के आधार पर 11 माह 29 दिन तक के लिए नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार पूर्णकालिक पदों का केवल महिला तथा अंशकालिक पदों पर महिला और पुरुष योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जो कि दिनांक 21/6/2021 से 5/7/2021 तक साय 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर में पंजीकृत डाक द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिक्त पदों की। तो दोस्तों, इसमें जो आपका पूर्णकालिक शिक्षिका है उसमें आपके जो विषय रहेंगे वो गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी विषय दिया गया है, जिसके बाद इसमें आपको पदों की संख्या का चार्ट दिया गया है कि आपको इसमें कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 22,000 पर मंथ दी जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपकी अर्हताएँ या आपकी शैक्षणिक योग्यता बताई गई है, वो आप इसे डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है अंशकालिक शिक्षिका की, इसमें आपका रहेगा शारीरिक शिक्षा, कला, क्राफ्ट, संगीत और कंप्यूटर टीचर की, इसमें आपको वैकेंसीज दी गई हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपकी कितनी कितनी वैकेंसीज हैं उसका यहाँ पर आपको चार्ट दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 9800 रुपये पर मंथ दी जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपकी थर्ड वैकेंसी है लेखाकार की, इसमें आपको 4 वैकेंसीज दी गई हैं और इसमें जो आपकी सैलरी है वो 11,000 पर मंथ दी जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद आप यहां से इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपकी मुखिया रसोईया, सहायक रसोईया या आपकी चौकीदार की है या चपरासी की है, तो इसके लिए भी आपको इसमें वैकेंसीज दी गई हैं और सैलरी भी बताई गई है। तो दोस्तों, इन सभी के लिए आपका 8वीं पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको इसमें कुछ आवश्यक नियम व शर्तें बताई गई हैं, जो आप इसे डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष 1 अप्रैल को 25 वर्ष होगी और समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु चयन वर्ष की 1 अप्रैल को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको चयन प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है, या आपका जो इसमें चयन होगा वो किस तरह से होगा उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें जो आपका आवेदन पत्र होगा उसके साथ आपने 25 रुपये का डाक टिकट लगा लिफाफा, जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट लिखा हो, वो आपने साथ में ज़रूर लगाना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी फार्म की। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर इसमें आपको इसका फार्म भी दिया गया है, जो कि आपने भरकर इनके ऑफिशियल एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के जरिए सेंड करना है। तो दोस्तों, इसके साथ आपने जो है अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट जो जो इसमें बताए गए हैं वो आप लगाने के बाद इसे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।